होता है। और हम इस देश में मांगने के लिए पैदा नहीं हुए, इस बात को आप लोग याद रखते हैं। मैंने उस दिन भी अपील की, मैं आपको एक बात बस शुरू करूंगा अपनी बात। आप जानते हो जब मैं पहली बार जेल गया 8 जून 2017 को, भाई बैठ जाओ, देखो तुम खराब कर रहे हो, लौट जाओ लौट जाओ लौट जाओ, मगर खड़े ना हो भाई, झंडा फिर बैठ जाओ, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, मजाक बनेगी मेरी अगर तुम मेरी बात नहीं सुनने के, मेरी मजाक बनवाना आए हो, फिर बहुत बढ़िया, ये वाले तो नहीं काम के हैं, ये तो नहीं मान रहे। भाई राजेंद्र यादव जी, तो जब मैं पहली बार जेल गया, आपको पता है कि मैं जब भी जेल गया मैं अपनी व्यक्तिगत लड़ाई में कभी नहीं गया, आप इस बात को जानते हैं, मेरा समाज इस बात को जानता, अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो समाज हाथ उठा के बतावे कि मैं गलत कह रहा हूं। जब मैं पहली बार जेल गया और जाने से पहले जब पूरी सरकार मेरे पीछे पड़ी हुई थी और यह कहा जा रहा था, डीजीपी का यह बयान आया रेड्डी लॉ एंड ऑर्डर का, कह रहे सरेंडर नहीं कर देंगे चंद्रशेखर को, वो ये संदेश दे रहे थे कि हम इसका एनकाउंटर करके समाज को संदेश देंगे कि कोई भी अगर सरकार के खिलाफ खड़ा होगा हम उस आवाज को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। लेकिन फिर 21 मई 2017 को आप मेरे समाज के सिर माथे सारे लोगों ने आके यही जंतर मंतर, इसी पर आकर आपने मेरे हौसलों को बुलंद करके कहा कि लड़, हम तेरे साथ हैं। और वो दिन है, राज का दिन है, चाहे मैं सीएन पे अनारसी में जेल गया हूं, चाहे मैं ऐसी एक ताकत को लेके गुरु रविदास घर की तरफ चल दिया था जब इन्होंने मेरी 250 लाठी मार कर खाल उतार दिए कि सच्चो साहब अब तो एसीपी हो गए, जहां रात को मुझे जानवर की तरफ मार कर घेरा गया वो यही खड़े हैं, उनके जो साथी जिस थाने में मुझे मारा गया था दो दो तीन तीन बार, वो भी मुझे सवेरे मिले थे, मैंने उनसे एक दिन पहले भी ये बात कही जब मैं पहलवानों के अंदर, मैं आदमी भूलता नहीं हूं भाई, जिसने एक इंच भी साथ दिया कतरा कतरा उसके लिए बहा दूंगा, लेकिन जिसने मेरे लोगों को सताया, जबकि आप जानते हैं कि मैं संविधान में विश्वास रखता हूं, चलो माफ कर दूंगा उसे भी, उसे भी माफ कर दूंगा, लेकिन इस बार आपने देखा कि क्या हुआ, जब वो सीबीआई से नहीं रोक पाए, ईडी से नहीं रोक पाए, इनकम टैक्स से नहीं रोक पाए, जब वो झूठे मुकदमों से नहीं रोक पाए, जेल से नहीं रोक पाए, तो कायरों की तरह आके उन्होंने मेरे ऊपर गोली चला दी।